गोरखपुर के पढ़लगंज के रुदौली गांव में खूनी खेल खेलने वाले तीन खिलाड़ियों को पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों के नाम हैं सुनील यादव, जयविंद यादव, सचिन यादव। ये तीनों दौनाडीह थाना बढ़लगंज के निवासी हैं। आपको बताते चलें कि अश्लील गाने ट्रैक्टर ट्राली पर बजाने के मामले में बढ़लगंज के रुदौली गांव में खूनी खेल खेला गया। रात में विवाद हुआ और सुबह सुबह दौनाडीह से भारी तादाद में आपराधिक किस्म के लोग रुदौली गांव में आ घुसे। इसी बीच मारपीट हुई और फायरिंग भी। इसी फायरिंग में राजकिशोर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। राजकिशोर के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने इन अभियुक्तों की तलाश की। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया और आखिरकार ये पुलिसिया गिरफ्त में आ ही गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में सबसे लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास सुनील यादव का है। इसके ऊपर एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे पहले ही दर्ज हैं, वो भी गैंगस्टर में जेल जा चुका है। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल होने वाले तमंचे को भी बरामद कर लिया है, जिससे राजकिशोर की हत्या हुई थी। हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने बोलेरो और मोटरसाइकिल सहित ट्रैक्टर ट्राली को भी नुकसान पहुंचाया था। अब इन तीनों अभियुक्तों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रमुख रूप से प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज कल्याण सिंह सागर, एसएसआई संतोष कुमार सिंह, एसआई घनश्याम सिंह, एसआई ज्ञान प्रकाश शुक्ला शामिल थे। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव ग्लोवर ने पूरी घटनाक्रम को मीडिया कर्मियों के समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना बढ़लगंज के रुदौली गांव में कल सुबह 7 बजे एक विवाद के उपरांत गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक राजकिशोर नाम रख व्यक्ति को गोली लगी थी, जिनकी बाद में दुखद मृत्यु हुई। इस घटनास्थल का निरीक्षण सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया। मौके पर परिजनों से और गांव वालों से जानकारी करने पर ये जानकारी हुई कि घटना के दिन के एक दिन पहले शाम को जो अभियुक्त पक्ष है उसके कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे थे, जिसके ऊपर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। जो मृतक का गांव है वहां पे कुछ लोगों ने इसके संबंध में वहां पर आपत्ति जताई, कुछ वहां पर आपस में बहस हुई, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा इस विवाद को शांत करा दिया गया। अगले दिन सुबह जो अभियुक्त पक्ष के लोग हैं वो प्लान करके इस गांव में आए, जिसको कि सुनील यादव नाम का एक अपराधी किस्म का व्यक्ति लीड कर रहा था। इनके द्वारा आकर के दोबारा यहां पर वाद विवाद किया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोगों को चोट आई। इसी विवाद के मध्य इसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जिसमें कि मृतक को गोली लगी और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। इस घटना में मृतक के परिजनों द्वारा थाने पर तहरीर देकर नामजद करते हुए मुकदमा लिखवाया गया था। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर तीन मुख्य अभियुक्तों को, जिसमें कि सबसे मुख्य अभियुक्त सुनील यादव जो कि डौनाडीह गांव का रहने वाला है, पूर्व का अपराधी है, इसके ऊपर पूर्व के भी मुकदमे हैं, उसको अरेस्ट किया गया है। उसके दो अन्य साथी भी इसमें अरेस्ट हुए हैं, ये सब एक ही परिवार के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आकर के वहाँ पर इस घटना को पारित किया गया। इस घटना में कुछ और भी लोगों को नामजद किया गया है। घटना के मौके से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इसी आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। चार्जशीट लगाने के बाद इनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य सख्त धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या बरामद हुई है? इसमें जो घटना में जो प्रयुक्त असला है वो बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त घटना के समय पर जिन वाहनों पर चढ़कर अभियुक्त पक्ष आए थे, उसमें बोलेरो और मोटरसाइकिल प्लस ट्रैक्टर ट्रॉली, ये सभी मौके से भी बरामद किए गए हैं।